अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ESR टेस्ट, और इस टेस्ट को एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक ESR टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR क्या है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट खून में किया जाने वाला एक टेस्ट है, और इस टेस्ट में हम एक ख़ास किस्म का ट्यूब इस्तेमाल करते हैं जिस पर नंबर्स लगे हुए होते हैं, और उस ट्यूब में हम खून डाल देते हैं और एक घंटे बाद देखते हैं कि इस ट्यूब में जो खून है तो वो कितने लेवल तक नीचे बैठ गया है। इस ट्यूब पर नंबर्स लगे हुए होते हैं और उस नंबर्स को हम मैच करते हैं प्लाज्मा के साथ जो कि ट्यूब में रह जाता है। इस ट्यूब में आप देख सकते हैं कि जो खून है वो नीचे बैठ गया है, पैक्ड सेल्स नीचे बैठ गए हैं और ऊपर का जो पोर्शन है जो प्लाज्मा कहलाता है, तो इसके नंबर्स को देखा जाता है, इसकी वैल्यू को देखा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। ये दूसरी ट्यूब भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक येलो पोर्शन है, एक रेड पोर्शन है, और इसमें जो येलो पोर्शन होता है तो इसकी काउंट की जाती है, इसके नंबर्स चेक किए जाते हैं और देखा जाता है कि मरीज का जो ESR है तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई है। बात करते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की तशखीसी अहमियत पर, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो टेस्ट है ये एक गैर मखसूस टेस्ट है, और इस टेस्ट की मदद से हम जिस्म में कहीं पर भी अगर सोजिश है या सोजिशी बीमारियां हैं जिसे इन्फ्लामेशन कहा जाता है या जिसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है, तो उसका पता हम इस टेस्ट की मदद से लगा सकते हैं। गैर मखसूस टेस्ट से मतलब क्या है, यानी ये किसी एक बीमारी में इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं आती, बल्कि ऐसे बेशुमार बीमारियां हैं जिसमें ESR का टेस्ट जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, इसलिए इस टेस्ट को नॉन स्पेसिफिक यानी कि एक गैर मखसूस टेस्ट कहा जाता है। ESR टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि इस टेस्ट की अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि जिस्म में कोई बीमारी चल रही है या कोई बीमारी मौजूद है और इसकी ज़रूर तशखीस होनी चाहिए, यानी उसके लिए फर्दर टेस्ट होने चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी जिस्म में मौजूद है जिसकी वजह से ESR की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक ऐसा टेस्ट है कि इस टेस्ट की मदद से हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं ऐसी बीमारियों की जो जिस्म में सोजिश पैदा करती हैं, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती हैं, तो हम चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लामेटरी जो बीमारी है वो जिस्म में बढ़ रही है, या जिन इन्फ्लामेटरी बीमारियों का हम इलाज शुरू कर देते हैं तो इलाज के बाद भी ESR का टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इलाज कामयाब हुआ है या नहीं। तो अगर इलाज कामयाब हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ESR का जो टेस्ट किया जाएगा उसकी वैल्यू कम होगी। बात करते हैं कि खून में ESR के टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, उसका नॉर्मल रेंज होता है 0 से लेकर 2 mm/hr। जो चिल्ड्रन होते हैं तो उनका नॉर्मल रेंज होता है 0 से लेकर 10 mm/hr। जो मर्द हजरात होते हैं तो उनका नॉर्मल लेवल होता है 0 से लेकर 15 mm/hr, और जो ख्वातीन होती हैं तो उनका नॉर्मल लेवल होता है 0 से लेकर 20 mm/hr। अभी बात करते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है, किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में, या फिर 3.8% सोडियम साइट्रेट ट्यूब में जिसे ब्लैक टॉप ट्यूब भी कहा जाता है। खून डालने के बाद इन ट्यूब्स को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, और फिर स्पेशलाइज्ड जो ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं इस टेस्ट के लिए जिसे वेस्टर्न ग्रीन या वेंट्रोप ट्यूब्स कहा जाता है, तो उनको भरा जाता है और फिर एक घंटे बाद देखा जाता है कि मरीज़ का ESR का लेवल क्या है। या फिर ऑटोमेटेड ट्यूब्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिसमें यही खून डालकर एक घंटे बाद देखा जाता है कि ESR की वैल्यू कितनी आई है। बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं, वो कौन सी हालतें हैं जिसमें ESR का लेवल बहुत ज़्यादा बुलंद आता है। तो पहले ही हमने बात की एक गैर मखसूस टेस्ट है, और ऐसी कई हालतें हैं जिसमें ESR का लेवल बुलंद आ जाता है। तो वो हालतें हैं ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया,
रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, बुखार की वजह से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, कोई मरीज़ अगर जल जाता है गाउट की वजह से, टेम्पोरल आर्थराइटिस की वजह से, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमाटोसिस की वजह से, कार्सिनोमा अगर हो, लिम्फोमा अगर हो, मल्टीपल माइलोमा अगर हो, नमूनिया में, सिफिलिस में, प्रेगनेंसी में, नेफ्राइटिस में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, तो ये ऐसी हालतें हैं जिसमें ESR का लेवल खून में बहुत बुलंद आता है। अभी बात करते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन सी हालतें हैं जिसमें ESR का लेवल लो यानी डिक्रीज आता है, यानी किसी पेशेंट का अगर 0 आता है, 1 आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ESR की वैल्यू जो है वो कम है। एक तो नॉर्मल लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें कोई मसला होता है। तो कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ESR का लेवल कम आता है, तो वो कंडीशंस हैं सिकल सेल एनीमिया, कंजेस्टिव हर्ट फेलियर में, पेप्टिक अल्सर में यानी कि अगर मैदे में जख्म हो, एक्यूट एलर्जी में, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, फैक्टर 5 की डिफिशेंसी में, पोलीसाइथीमिया वेरा में, और हाइपोएल्बुमिनीमिया। ये ऐसी हालतें हैं जिसमें ESR का लेवल इंतहाई कम आता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।